नमस्कार, आज हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में ढेर सारा पैसा कमाया, जबकि बाकी इन्वेस्टर्स ने इस क्राइसिस में ढेर सारा पैसा गंवाया था। तो उस शख्स का नाम है डॉक्टर माइकल बैरी। डॉक्टर माइकल बैरी एक न्यूरोलॉजिस्ट है। इन्वेस्टिंग में उन्हें शुरुआत से ही बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए अपनी न्यूरोलॉजी की स्टडी के दौरान वो देर रात तक और दिन में कुछ वक्त निकालकर इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ते थे। 1997 में उन्होंने अपना इन्वेस्टिंग ब्लॉग valuestocks.net शुरू किया, जिसमें वो इन्वेस्टिंग टिप्स और मार्केट पर अपने विचार पोस्ट करते थे। डॉक्टर माइकल बैरी एक वैल्यू इन्वेस्टर है और कहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी मिस्टर वॉरेन बफेट के गुरु मिस्टर बेंजामिन ग्राहम की बुक सिक्योरिटी एनालिसिस से डेवलप हुई है। इन्वेस्टमेंट की समझ और अपनी डीप रिसर्च करने की आदत की वजह से उनके ब्लॉग पर वो डिटेल रिसर्च के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट टिप्स पोस्ट करते थे। जल्दी उनका ये ब्लॉग फेमस हो गया और कई इन्वेस्टर्स उन्हें फॉलो करने लगे। जाने माने फंड मैनेजर और ऑथर मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट भी उनकी इन्वेस्टमेंट स्किल से प्रभावित हुए और उन्होंने डॉक्टर माइकल बैरी को हेज फंड सेटअप करने के लिए कुछ फंड प्रोवाइड किया। फिर साल 2000 में डॉक्टर माइकल बैरी ने अपना हेज फंड साइन कैपिटल शुरू किया। उनके ब्लॉग से उन्हें मिली पॉपुलैरिटी की वजह से कई इन्वेस्टर्स ने उनके फंड में इन्वेस्ट किया। शुरुआत से ही डॉक्टर माइकल बैरी का ये फंड US स्टॉक मार्केट इंडाइसेस के मुकाबले बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा था। उसी दौरान यानी साल 2002 से रियल एस्टेट मार्केट में बूम आना शुरू हो गया था, इसलिए लोग लोन लेकर घर खरीद रहे थे और गवर्नमेंट भी लोगों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। लोन्स की डिमांड बढ़ रही थी, लोन लेकर बहुत सारे लोग घर ले रहे थे, जिससे रियल एस्टेट मार्केट में तेजी आ गई थी। इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी इस तेजी का फायदा उठाना चाहते थे, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होम लोन्स लोगों को बेच रही थी उन लोन्स को खरीद रही थी और उनके CDOs दैट इज कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन बनाकर उसे इन्वेस्टर्स को बेच रही थी। CDO और CDS को समझने के लिए और यहाँ से आगे इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें हमने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को डिटेल में और आसान भाषा में समझाया है। इस वीडियो को आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है। तो पहले 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का ये वीडियो देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करिए। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने बनाए हुए ज़्यादातर CDOs को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज AAA रेटिंग दे रहे थे और AAA रेटिंग को देखकर इन्वेस्टर्स आग बन करके उनमें इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे CDOs की डिमांड बढ़ रही थी। पर एक्चुअल में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता था। लोग बस AAA रेटिंग देखकर CDOs में इन्वेस्ट कर रहे थे, पर उन AAA रेटिंग के पीछे का सच किसी को नहीं पता था और ना ही किसी ने उसे जानने की कोशिश की। तो 2003 में CDOs और मॉर्गेजेस का डीप एनालिसिस करने के बाद और पूरी ग्राउंड रियलिटी चेक करने के बाद डॉक्टर माइकल बैरी को पता चला कि बैंक्स अग्रेसिवली सबप्राइम लोन्स बेच रही है, जिसमें बैंक्स पूरा वेरिफिकेशन किए बिना किसी को भी लोन दे रही है। जो लोग शुरुआत के कुछ EMI पे कर पाएंगे इसकी गारंटी नहीं थी, उन्हें भी बैंक लोन दे रही थी। साथ ही उनमें से बहुत सारे लोन्स एडजस्टेबल रेट लोन्स थे, जिनमें शुरुआत में तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहते हैं और उसके बाद बहुत चेंज हो जाते हैं। 2005 में जब इन लोन्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब डॉक्टर बैरी बहुत कॉन्फिडेंट हो गए। उन्हें पता चल गया कि जैसे ही इन एडजस्टेबल रेट लोन्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेगा, लोग उन लोन्स को डिफॉल्ट करने लगेंगे और हाउसिंग मार्केट का ये बबल बस्ट हो जाएगा। फिर 2005 में उन्होंने CDS दैट इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, जो कि CDOs पर एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट था, उसे अग्रेसिवली खरीदना शुरू कर दिया। तो CDS इस तरह बनाए गए थे कि अगर CDOs फेल हो जाते हैं तो CDS इशू करने वाली कंपनी CDS खरीदने वालों को पैसे देगी। साल 2006 में साइन कैपिटल ने -20% रिटर्न दिया, जिससे कुछ इन्वेस्टर्स डॉक्टर बैरी को क्रिटिसाइज करने लगे। पर जैसे ही 2007 में CDOs फेल होने लगे, डॉक्टर बैरी ने उन पर CDS के जरिए बहुत पैसा कमाया और जिन लोगों ने साइन कैपिटल में इन्वेस्ट किया था वो तो मालामाल बन गए। 2008 में उन्होंने अपना ये हेज फंड बंद कर दिया और वो सिर्फ अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करने लगे। और फिर 2013 में उन्होंने अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी साइन एसेट मैनेजमेंट शुरू की। डॉक्टर माइकल बैरी पर द बिग शॉर्ट ये बुक लिखा गया है और बाद में उन पर द बिग शॉर्ट ये मूवी भी बनाया गया। द बिग शॉर्ट ये एक बेहतरीन बुक है, तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए और द बिग शॉर्ट इस मूवी को भी ज़रूर देखिए। डॉक्टर माइकल बैरी की ये स्टोरी ज़रूर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर करें। अगर आप finovations.com पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके finovations.com की फैमिली में शामिल हो जाइए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।